दोस्तों आज ये जानेंगे कि ये जो मामूली सा बोतल दिखने वाला है जो आप लोग सफर में जाते हैं और ये मिनरल वाटर खरीद कर पानी को पीते हैं, पर दोस्तों ये ढक्कन सहित आप फेंक देते हैं तो इससे क्या होता है, फिर से ट्रेन में जो नीचे काम करता है वर्कर फिर से ले जाकर इसमें पानी भरकर फिर से वो बेचते हैं। आपको ये ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसका ढक्कन इसके अंदर डाल देना है तब फेंकना है, या तो बोतल को पूरा आप स्पर्श करके यानी कि मचोड़ कर फेंके ताकि इससे फिर दोबारा आपको पानी पीने के लिए नहीं मिले। पर दोस्तों ये चीज़ हम आपको बताएंगे, ये चीज़ जब आप घर लेके आते हैं तो इससे बहुत ही सुंदर एक हैंगिंग पॉट बना सकते हैं, बहुत ही एक झूमता हुआ इसमें एक पौधा लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सालों साल चलने वाला ये प्लास्टिक बहुत ही अच्छा लगेगा। और इस तरह का यदि आपको बनाना है तो आप हमारे वीडियो में बने रहें और देखें कि किस तरह हम हैंगिंग पॉट बना रहे हैं। सबसे पहले हम क्या किए, इसे छुरी की मदद से, गरम छुरी की मदद से इसे कट कर लिए हैं, एक साइड कट किए हैं फिर दूसरे साइड कट किए हैं। करने के बाद इस ढक्कन में हम छेद किए हैं जिसमें हम सूता को लटकाएंगे, और सूता कौन सा लेना है हमें, तो हमें लेना है किसी भी पैंट का जो नाड़ा होता है या आपका कोई जूता का कोई लेस हो तो वो सब होता है क्या, मजबूत होता है, ये सालों साल चलने वाला बहुत ही मजबूत होता है। तो इसे हम क्या करेंगे, दो भाग में काट लेंगे, आपको जितना छोटा या बड़ा बनाना है उस हिसाब से कर लें। अब इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इसमें इस तरह से हमारा नहीं आएगा, और इसे थोड़ा सा एक गांठ भी लगा दे ताकि हमारा फिर से निकले ना, इस तरह से हम गांठ लगा दिए हैं तो इस तरह से हमारा कभी भी नहीं निकलेगा। अब हमें लेना है इसमें मिट्टी, तो मिट्टी लेने से पहले हम क्या लेंगे, इसमें ये जो हमारा सूखा हुआ सब्जियों का है ये इसके अंदर वो लेंगे, तो सबसे पहले इसे डाल लेते हैं। और दोस्तों इसमें हम छेद किए हैं, इसका पीछे जो है हम चार पांच छेद किए हैं, तो इस तरह से आपको छेद कर लेना है ताकि आपका पानी जो है निकल सके। इसमें इसलिए डाल रहे हैं कि ताकि हमारा छेद जो है मुंदाएगा नहीं, और ये जो हमारा जड़ इसके नीचे जाएगा तो और भी ग्रोथ इसमें आएगा। अब हम यहाँ लेंगे मिट्टी, तो मिट्टी हम किस तरह लेंगे, मिट्टी हम बलुआही मिट्टी लिए हैं, एकदम बलुआही मिट्टी है इसमें, और थोड़ा सा गोबर खाद, ये घर का ही बनाया हुआ है तो इसे अच्छा से मिश्रण कर देंगे और हाथों की मदद से दबा देंगे। तरह से कर लिए, मिट्टी भी हमारा बहुत ही कम लगा और बोतल भी हमारा बहुत ही सुंदर खड़ा हो गया। इसमें डालेंगे रोजमेरी का प्लांट, ये आपका सुबह में खिलता है तो कम से कम 12 बजे तक इसका फूल का जो कलर होता है बहुत ही सुंदर लगता है। जब ये हमारा फूल हमारे ये कैरी बैग में खिलेगा और ये घूमता हुआ झूम कर ये फूल जब दिखेगा आपको तो बहुत ही सुंदर एक हैंगिंग पॉट में रहेगा। तो इस तरह का प्लांट लगाने के लिए बोतल बहुत ही सही है, तो हमें लगाना है इस तरह। इसका जो लीफ है इसे हटा देते हैं, और हटाने के बाद इसे इस तरह लगाते हैं, रखना है इस तरह से रखना है। दोस्तों इसे हम बहुत ही अच्छा से इसमें मिट्टी डाल डाल कर साइड साइड में बैठा दिए हैं,
बैठाने के बाद और लिए हैं ये जो कली वाला हम लिए हैं कि ताकि हमारा 2 से 3 दिन में इसमें फूल हमारा खिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको भी लेना है तो इस तरह का कली वाला लेना है और इस तरह से ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाने के बाद ये झूमता हुआ आपका एक पॉट तैयार हो गया और जब आपका फूल खिलेगा बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इसे आपको किसी भी कांटी में या किसी में आपको टांग देना है, बहुत ही सुंदर लगेगा। आपको आज हम ये करके दिखा रहे हैं और एक जो है इसमें हमारा फूल खिलने वाला है तो इसका हम कल का रिजल्ट आपको दिखाते हैं। दोस्तों इसमें पानी भी डालना बहुत ही आसान है, दोनों साइड से ये हमारा खुला हुआ है तो इस तरह से हम पानी डाल देते हैं। धीरे धीरे पानी डालें और ये बलुआही मिट्टी है, बहुत ही अच्छा इसमें मिट्टी जो है हमारा भींजा हुआ रहेगा। इस तरह से पानी डाल दिए, अब इसे हम टांग देते हैं। दोस्तों ये हम टांग चुके हैं और जब ये बड़ा होगा धीरे धीरे एक साइड में ये झूमेगा तो बहुत ही सुंदर इस तरह से आप अपने घर पर हैंगिंग पॉट लगा सकते हैं, जैसे कि इसी तरह बिल्कुल हम यहाँ पर किए हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो आप बोतल देख रहे हैं ये बड़ा बोतल में किए हैं, हमारा बड़ा पौधा है और इसमें देख सकते हैं कितना सुंदर से हमारा फूल भर भर कर आ रहा है। इस तरह से यदि अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं हैंगिंग पॉट से तो बिल्कुल इस तरह से जो बेकार पड़ा हुआ बोतल रहता है हमारे घर में कचड़े के तरह, इसे आप सुंदर से सुंदर पॉट बना सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा एक दिन का रिजल्ट में देखें, आपको हम बताए थे कि इसमें एक फूल हमारा खिलने वाला है और ये फूल खिल चुका है। तो आपको भी लेना है इस तरह का कली वाला कि आपको एक दिन में ही आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों इस तरह का छोटी छोटी जानकारी में हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।